सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल नो टॉप 10 कंप्यूटर साइंस जॉब फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड स्टेप बाय स्टेप ऑल इन्फॉर्मेशन। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो कैन रीच यू। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। सो नंबर 10, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। सो फर्स्ट, व्हाट इज आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर? सो प्रोजेक्ट मैनेजर इज एनी इंडस्ट्री नीड टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सफुल इंस्पायरिंग लीडर। सो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ इंस्पायरिंग लीडर। सो सेकेंड, व्हाट डज एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर डू? सो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेशन एंड रिसोर्स फॉर बडगेटिंग एंड सक्सेसफुल एक्सिक्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक आईटी गोल्स एंड सच प्रोजेक्ट माइट इंक्लूड सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपमेंट हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड नेटवर्क अपग्रेड एंड एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट, नंबर 9, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर। सो फर्स्ट कंप्यूटर, सो फर्स्ट व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर? सो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर प्लान कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट रिसर्च एंड फैसिलिटेट द कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ फर्म्स एंड दे हेल्प सेट टेक्निकल एंड बिजनेस गोल्स एंड मेक डिटेल प्लान फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस गोल एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड बोथ टेक्निकल इन बिजनेस इन डेप्थ। सो सेकेंड, व्हाट डज अ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर डू? सो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर टाइपिकली डू द फॉलोइंग एनालाइजर देयर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर नीड आर रिकमेंडेड पॉसिबल अपग्रेड एंड फॉर टॉप एक्सिक्यूटिव टू कंसिडर लाइक अ प्लान एंड डायरेक्ट द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट, नंबर 8, कंप्यूटर एंड रिसर्च साइंटिस्ट। सो फर्स्ट, व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट? सो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस यूजुअली होल्डिंग अ PhD ऑफ प्रोफेशनल डिग्री। सो दिस साइंटिस्ट यूज द कलेक्टिव नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड डिवाइस सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। सो सेकेंड, व्हाट डज कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट डू? सो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट डोंट स्पेंड मच टाइम डिजाइनिंग एप्लीकेशन या टाइपिंग या प्रोग्रामिंग एनी कोड। सो दे स्पेंड मेनी ईयर्स स्टडी एंड डिस्क्रीट स्टडी लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन एंड थ्योरी फॉर्मल लैंग्वेज एंड एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एंड सो डैट दे कैन फाइंड clever solution of the most difficult problem facing in computer science. So number 7, information security analyst. So first, what is a information security analyst? So a information security analyst installs software such as firewalls and to protect computer network and plan and carry out security measures to protect an organization's computer network and system. So information security analyst is protect an organization's computer network and system. So second, what does an information security analyst do? So information security analysts typically do the monitor their organization's network for security breaches and investing a violation when one occurs. So next, web developer. So what is a web developer? So a web developer is programmer who specialize in engage in the development of worldwide and web application using a client server mode. And next, what does a web developer do? So a web developer is responsible for programming the code that tells a website how to function
and a web developer build and maintain website with the client and consume in mind. So number 5, computer network architect. So computer network architect design and build data communication network, including local area network, wide area network, and network architect must have extensive knowledge of an organization business plan to design a network that can help the organization achieve its goal. So second, what does a computer network architect do? So computer network architects create, plan and layout for data communication networks, and they inform the organization they work for where they might need network, and also present and explain why it would benefit the organization versus they. And computer network architect need to have an excellent understanding of an organization's and business plan so they can design an appropriate network. So number 4, computer system analyst. So first, what is a computer system analyst? So a computer system analyst is an occupation in the field of information and technology, and a computer system analyst work to solve problem related to computer technology. And second, what does a computer system analyst do? So a computer system analyst analyzing data processing and problems to improve computer system and enhancing the system compatibility to simplify to sharing of information to each other. And next, consulting with business leader to determine the role of the IT system and etc. So number 3, computer hardware engineer. So first, what is a computer hardware engineer? So computer hardware engineer oversee the manufacture, installation and testing of computer system, server and chip testing and circuit board testing and etc. So next, what does a computer hardware do? So a computer hardware engineer research and design, develop and test computer system and components such as a circuit board. And computer hardware engineer research, design, develop and test computer system and components such as process, circuit board, memory device and network and router. So any problem for router, so like network problem and speed problem. So number 2, database administrator. So first, what is a database administrator? So database administrator use specialized software to solve any organized data, and the role may include capacity planning and installation and configuration and data board and designing and migration and performance and monitoring and security testing as well as backup and data recovery. So main role of database administrator, so installing and maintain the performance of database server and develop processes for optimizing database security and set and maintain data base standard. So number one, software developer. So first, what is a software developer? So a computer programmer, sometime called a best software developer, and a programmer, yeah, more recently a coder, is a person who create a computer software, is a software developer, and one who develop computer software is a software developer.
So next, what does a software developer do? So a software developer do the analyze user need and then design, test and develop software to meet those needs. So and recommend software upgrade for customers and existing program and system, and designing each pieces of an applications or system and plan how the pieces will work to each other or together. Thanks for watching.